के प्लेयर्स भी यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए डैमोन गेमिंग विजिट आउट की तरफ मौजूद एंड 6-8 के प्लेयर्स को स्पॉट तो जरूर किया है, बट एक फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। गॉड लाइक गोइंग अप अगेंस्ट डार्क शैबियर, लैम्बोर्गिनी यहाँ पे आपके साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे थे बट जी गॉड ने उनको नॉक कर दिया। साइमल्टेनियसली ट्रेड ऑफ आता हुआ फ्रैंकी के द्वारा जी गॉड पुशिंग कर रहे थे बट राबीज ने उनको स्पॉट करके वहां पे नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश करते हुए टीम गॉड लाइक येट अगेन गोइंग फॉर अ कॉम्पाउंड बट दिस लुक्स ब्लीक। This definitely does, क्योंकि डक को देखिए वो काफी करीब आ जरूर चुके थे, नेड्स उन पे किए गए एकदम से पीछे जा रहे हैं, गॉड लाइक अपना एक प्लेयर खो चुकी है। ये चीज हमने कल भी देखी थी, कल भी पहली फाइट के अंदर आ गए एक प्लेयर को इन्होंने खोया था यहाँ पर। रबीज को दूर भेजने की दूर भेजने की कोशिश करी जा रही है, स्मोक किया जाएगा एंड जो ये प्लेयर है इनको फिनिश करने की कोशिश यहाँ पर जॉनसन की रहेगी। इंस्टेंटली यहाँ पर फिनिश जरूर किया जाएगा रबीज को और अब इनको पता है कि इनका नियर थ्रेट जो टीम है वो कौन से घर में, ये उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। और खुद एज ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, एज पकड़ चुके जो काफी बेहतरीन है, वहीं पर S2G के प्लेयर्स अभी भी गॉडलाइक के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। जोनाथन एक बार फिर से नॉक हुए जरूर हैं, अब नियो के ऊपर भार वापस से बन जाता है, रिवाइवल देने हैं प्लेयर्स को जाने देना है और खुद सर्कल के अंदर भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट टिक मार गैलेक्सी शायद टाइम शॉट पुश कर जाएंगे बट फिलहाल के लिए हम लोग को किल फीड पे नजर आ रही है पीका यहाँ पे फिनिशर्स निकाल लेते हैं। एट द सेम टाइम गॉडलाइक भी इस गेम से हो चुकी है बाहर, 12 टीमें 37 लोग यहाँ पर जीवित और नेट्स बार बार किए जा रहे हैं, थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल।